नमस्कार, मैं कुमार सानू, आपका कुमार सानू, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ रेडियो मनपसंद, आरजे मनीष, आरजे शगुन और आरजे मनी के साथ 24/7 तड़का लगा के। ओ, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, तड़का लगा के। गुलाब जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया। नमस्कार श्रोताओं, एक बार फिर से आप सुन रहे हैं रेडियो मन पसंद और मैं हूं आपकी मनपसंद आरजे, आरजे मनी। और आज है मंगलवार, शाम के 7 बज गए हैं और बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है। स्प्रिंग चल रहा है कैनबरा में, लेकिन स्प्रिंग दिन में तो बहुत गर्मी होती है लेकिन शाम को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और मौसम की बात की जाए तो आज तो वैसे भी 11 अक्टूबर है और आज तो मौसम हसीन होने वाला है। और भी दोस्तों, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन तड़का लगा के। जी हाँ, सो बात की जाए, आज 11 अक्टूबर मंगलवार का दिन है तो आज खास क्या है? आज बहुत ही खास है कुछ। जी आज है हमारे बॉलीवुड के महानायक एंग्री यंग मैन और सदी के शहंशाह का जन्मदिन। जी हाँ, आज है अमिताभ बच्चन का 80th बर्थडे। सो हमारी तरफ से बहुत सारी विशेज अमिताभ बच्चन जी को और उनके, और हम आशा करेंगे कि उनकी सेहत ऐसी ही तंदुरुस्त रहे और आगे भी वो हमें एंटरटेन करते रहें। उनका एंटरटेनमेंट मुझे लगता है शुरू हुआ था 1969 में, जो उनकी मूवी आई थी सात हिंदुस्तानी, वहाँ से उन्होंने अपनी बॉलीवुड की शुरुआत की थी। और 69 से अब तक ऑलमोस्ट 50 साल हो चुके हैं। वाह, कहने की बात होती है 50 साल, लेकिन इंडस्ट्री में राज करना और लोगों के दिल पे राज करना, ये तो मतलब क्या बात है। तो आज हम जैसे बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, तो श्रोताओं, तो मैं आपके लिए एक हसीन और बहुत ही सुंदर सा गाना प्ले करने वाली हूँ जो कि अमिताभ बच्चन की मूवी का है। और मेरे को अमिताभ बच्चन, मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, मोस्टली फ्री वैसे होती नहीं हूँ लेकिन जब होती हूँ तो आई लव ऑल द ओल्ड मूवीज़, 60s की, 70s की। आई थिंक मैंने रिसेंटली उनकी मूवी देखी थी अभिमान, वाओ, और उनके साथ थी उनकी धर्मपत्नी उस मूवी में, क्या मूवी थी, वाओ, मज़ा आ जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस जनरेशन से हूँ, नहीं मैं इतनी पुरानी जनरेशन से भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत पसंद है उनकी मूवी। तो बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, तो मैं आपको एक सुंदर सा अमिताभ बच्चन जी का एक गाना उनकी मूवी से सुनाती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको भी सब वो गाना बहुत अच्छा लगेगा। सो दोस्तों सुनते हैं अभी एक गाना। मैं सोच रही हूँ कौन सी मूवी से चलाऊँ, वैसे मेरे तो सारे ही बहुत फेवरेट है और मेरे लिए एक चूज़ करना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सबके लिए एक मेरा फेवरेट गाना जो अमिताभ बच्चन की एक मूवी से है, अभी वो मैं बस आपके लिए प्ले करती हूँ और हम सुनते हैं कौन सा गाना है। कोई गेस करना चाहेगा?
चलो अगर आपने गेस कर लिया है तो प्लीज हमें मैसेज कीजिए हमारे फेसबुक पेज पे, रेडियो मनपसंद पेज या इंस्टाग्राम पेज पे, और बताइए मैंने कौन सा गाना गेस किया, करने को बोला। जी हाँ, मैं गाना चला रही हूँ सत्ते पे सत्ता मूवी से, दुखी पे दुखी हो ये। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, दुखी पे दुखी हो या सत्य पे सता, गौर से देखा जाए तो बस है पते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। कोई फर्क नहीं अलबत्ता, ये दोस्तों आज हम सुन रहे हैं रेडियो मन पसंद पे, आरजे मनी को सुन रहे हैं आप, और मैं बात कर रही हूँ अमिताभ बच्चन जी की, जिनका जन्मदिन है, 80 इयर्स के हो गए हैं मिस्टर बच्चन, बिग बी जिनको हम कहते हैं। 1942 इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ, और उनके पिताजी बहुत ही फेमस एक कवि थे, हरिवंश राय बच्चन जी, बहुत बड़े कवि, और उनकी वाइफ तेजी जी। और उसके बाद, वैसे आप लोगों को पता हो कि नहीं, मैं बता दूं कि अमिताभ बच्चन ने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले रेडियो ज्वाइन किया था, तो वो भी रेडियो से ही शुरू है, तो हो सकता है हम भी कभी कभी कहीं बॉलीवुड या हॉलीवुड या कहीं डेब्यू कर लें, या फिर कैनब्रावुड में डेब्यू कर लें। सो दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और मैं हूँ आपकी आरजे आरजे मनी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पेज रेडियो मनपसंद पे या इंस्टाग्राम रेडियो मनपसंद पे, और हमें मैसेज कीजिए, नंबर है 04218980 95, और हमें ईमेल भी कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com। अपनी राय भेजिए, अपने सजेशंस भेजिए, फीडबैक भेजिए, बहुत अच्छा लगता है जब आपसे लिसनर से हमें अपनी फीडबैक मिलती है, एक हमें हौसला मिलता है आगे बढ़ने का और कुछ नया करने का ज़रूर। और चलिए, आप बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, तो उनके जो सुपुत्र हैं अभिषेक बच्चन जी, वो अभी मेलबर्न में आए थे, और हमारी आरजे नेहा गई थी उनसे मिलने, वो फिल्म जो मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल था वहाँ पे आए थे, और हमारी आरजे नेहा वहाँ पे गई थी, आरजे शगुन वहाँ गई थी और उनसे मिली थी, और उनकी उन्होंने जो बताया आके, उफ, मैं तो बहुत जेलस थी, क्योंकि आई विश मैं भी जा पाती नेक्स्ट टाइम, इट्स नेवर टू लेट फॉर एनीथिंग। तो नेक्स्ट टाइम अगर अभिषेक बच्चन आएंगे तो ऑफकोर्स आई विल सी, आई विल ट्राई टू गो, और उनसे बात करेंगे, उनकी इंटरव्यू लेने की कोशिश करेंगे। सो दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं अमिताभ बच्चन की, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आ रहा है मेरे सामने, वो ये कि आज तो बर्थडे है मिस्टर बच्चन का, लेकिन कल यानी 10 अक्टूबर को था बर्थडे हमारी बॉलीवुड क्वीन रेखा जी का। जी हाँ, मैं कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहती हूँ इसको, जस्ट एक माइंड में आया कि आज उनका बर्थडे, कल रेखा जी का बर्थडे था, और ये बहुत ही हिट फेमस जोड़ी जो बॉलीवुड की हैं, इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी और हिट मूवीज़ दोनों ने दी हैं, दोनों ने इस, मेरी बेस्ट जो फेवरेट उनकी मूवी थी मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, ओह सिलसिला तो मतलब
मैं कभी भी बैठ के देख सकती हूँ, दिन में 10 बार 20 बार मतलब कभी भी चला दो सिलसिला। और उसके जो गाने थे और वो जो कश्मीर की शूटिंग थी, वाओ। और फिर मिस्टर नटवर लाल, दो अनजाने, इतनी उनकी इतनी खूबसूरत खूबसूरत मूवीज आई, मूवीज जो उन्होंने हमें जो एंटरटेन किया, रेखा जी ने और अमिताभ बच्चन जी ने, उफ क्या कहने उनके, तो मतलब वो तो एक हमारा जो ऑन स्क्रीन है बेस्ट कपल माना जाता है। और मैं सोच रही थी कि अभी जब मैं उनकी बात कर रही हूँ सिलसिला की, और सुहाग और मिस्टर नटवरलाल और मुकद्दर का सिकंदर, खून पसीना, जब मैं ये मूवीज़ देख जब मैं ये मूवीज़ की बात कर रही हूँ तो मेरे दिमाग में माइंड में वो भी फ्लैशबैक चल रहा है कि रेखा जी वो जैसे सिलसिला में तो फुल जैसे साड़ी में थे, और केसर कह रही हूँ वो कश्मीर में जो केसर के खेतों में, और इतनी सुंदर ब्यूटीफुल लोकेशंस पे जो आते थे, और यशराज जी का स्पेशल जो यशराज जी का आता था कि शिफॉन की साड़ियाँ, और वो साथ में जो हीरो होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, वो अपने फुल ऑन जैकेट में, और उनका सिलसिला वो सिलसिला से पहले शुरू हुआ था और सिलसिला के बाद तक यश जी का चलता रहा वो। जी हाँ, और हम जैसे बात कर रहे हैं, लिसनर्स आई रियली वांट टू नो कि आप अगर अपनी विशेस देना चाहते हैं बच्चन साहब को या रेखा जी को, तो प्लीज़ हमें मैसेज कीजिए, हम आपके विशेस, हम प्रॉमिस नहीं करते कि उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम अपने पेज पे आपके विशेस ज़रूर फॉरवर्ड करेंगे एंड उनको टैग करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन तक वो सारे मैसेजेस पहुंच सके। तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 02 04 2 1 8 9 8 0 9 5 पे, या फिर हमें ईमेल करके बताइए अगर आप अपनी विशेज उनको भेजना चाहते हैं tadka@radiomanpasand.com। देखिए मैं तो अपनी विशेज भेज रही हूँ उनको स्पेशल मैसेज के साथ और एक नोट के साथ, अपनी फ़ोटो भी लगाऊंगी ताकि उनको पता चले कि विशेज आ कहाँ से रही हैं। और चलिए अभी हम बात कर रहे हैं रेखा जी की और अमिताभ बच्चन की, तो इसी नोट पर एक और ब्यूटीफुल सा सॉन्ग है मेरे पास जो मुझे बहुत पसंद है, मेरा एक वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग जो है मेरा अमिताभ बच्चन जी का वो ये है। तो मैं अभी आपके लिए प्ले करती हूँ एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, मैं पल दो पल का शायर हूँ। मेरी आवाज़ बहुत ही वाहियात है लेकिन मैं आपके लिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, गाना आपको सुनाती हूँ जरूर जी। जवानी है मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए, वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे।
मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, मैं पल दो पल की शायर हूँ। वैसे मैं पल दो पल की शायर भी नहीं हूँ, ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, ये मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है। और मैं अभी इसी बात पे बता दी हूँ कि अगर आप हमें मैसेजेस भेजना चाहते हैं अमिताभ बच्चन जी को या रेखा जी को विशेष भेजना चाहते हैं तो ज़रूर हमें मैसेज कीजिए 04218980095 पे, या हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। ये सिर्फ मैसेजेस के लिए नहीं है, ये आप हमें वैसे भी अपनी जो भी अपनी फीडबैक है, जो भी आप हमारे से कुछ सुनना चाहते हैं, कोई गाने की रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें मैसेजेस कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे लिसनर्स हमें मैसेज करते हैं। तो इसी बात पे अभी मैं आपको बताती हूँ कि अभी मेरे स्टूडियो में एंट्री की है अमिताभ बच्चन के बहुत ही बड़े फैन ने। जी हाँ, जो अमिताभ बच्चन के बहुत ही मेरी नज़रों में बहुत बड़े, सेकंड बहुत बड़े, क्योंकि जो बहुत बड़ी फैन है वो है हमारी आरजे इरा। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारे फैन है वो अभी एंटर किए हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम आरजे मनीष। अरे रंग का भंग जमा हो चका चक, वाह फिर लो पान चबाए, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे पुनर्जन्म हो जाए। वाह, तो भैया खई के पान बनारस वाला, ढिंग ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, ओ छोरा गंगा ओ छोरा, ढिंजिंग ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ये थे अमिताभ बच्चन डॉन में छोरा गंगा किनारे वाले, और मैं भी बनारस का ही हूँ छोरा गंगा किनारे वाला। तो दोस्तों मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष। जी हाँ, आज मनी ने पूरा कंट्रोल लिया हुआ है। मैं मेरी आवाज बंद कर दी है, माइक भी बंद कर दिया था, बड़ी वो कंट्रोल मेरे पास था। हाँ, आज मैं आपको मौका नहीं दूंगी बोलने का। लेकिन गाने का श्रेय आप, मतलब मैं तो ये सोच रही थी आपने कहा कि मेरे को गाने के लिए, लेकिन अब मुझे ये है कि मेरी आवाज सुन के लिसनर्स म्यूट ना कर दे, बंद ना कर दे, लेकिन आप तो भैया आप तो मतलब गुरु जी, आप जो अमिताभ बच्चन जी के फैन और जो गाना गाते हो, वाह। मैं अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन रहा था, आजकल के अमिताभ बच्चन में वो दम नहीं है, लेकिन पहले जो वाले जो अमिताभ बच्चन थे ना, अमिताभ बच्चन थे, अरे क्या अदाएं थी, क्या पर्सनैलिटी थी, एंटर मारते थे ना, हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, क्या डायलॉग होता है। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, बाप भले डायलॉग में डिलीवरी जो थी ना वो तो मतलब मुझे शायद रेडियो का इंस्पिरेशन, या वो कहते हैं ना कि जो आवाज का जो क्या कहते हैं इसका, एडम्स एप्पल का जो बैरिटोन बोलते हैं क्या था वो, शायद अमिताभ बच्चन और एक ये अमीन से आनी जी। वैसे आपकी आवाज जो बुलंद आवाज है ना, वो आप कैनबरा के एंग्री यंग मैन अच्छे से बन सकते हो। अच्छा। बस वो एंगर लाने की देरी, एंगर नहीं आता, एंगर ही नहीं आता, यंग मैन बन जाते हो लेकिन एंगर नहीं आता। मेरे पास तीन देवियां घर में, वो ज्यादा एंगर रहती है मैं। तो इसीलिए नहीं, दोस्तों आप सभी को मेरा सलाम नमस्ते, गुड इवनिंग और शुभ संध्या। चलिए आप लोग आशा करते हैं मनी इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई थिंक, आई होप सो। दोस्तों प्लीज अपनी फीडबैक देते रहिए, और हाँ मैसेज ईमेल हमें जैसे भी है, आज मनीष देख रहे होंगे साइड पे बैठ के कौन कौन मैसेज कर रहा है, कौन कौन ईमेल कर रहा है। अभी जैसे हम बात कर रहे हैं, इनकी आवाज जो है, मतलब ओहो, जब भी आप गाते हो ना आज मनीष, जब भी गाते हैं इनकी आवाज तो मतलब अमेजिंग होती है, स्पेशली अमिताभ बच्चन जी के गाने। तो मैं अभी इनको रिक्वेस्ट करूंगी एक और गाना हो जाए, मैं गाना तो चाहती हूँ लेकिन आवाज भी तो हो। और वो जो आपने उस दिन गाया था गाना, वो तेरी, अच्छा वो वाला, वही वाला मतलब वो तो पूरे ऐसे लग रहा, मैं तो ये सोच रही थी मैं कर क्या रही हूँ, जहाँ चार मन पसंद है, इतने बार गाया और कॉलेज लाइफ में, उसके बाद हमारी तो नमक हलाल, शराबी, मुकद्दर का सिकंदर और दीवार, ऐसे धाकड़ धाकड़ मूवीज थी ना। ये मूवीज मैंने बचपन में नहीं देखी है, लेकिन ये मूवीज तो पैदा ही नहीं हुई है, मतलब जब पैदा हुई
तब भी तो मूवीज आती थी ना टीवी पे, हमने बचपन में देखी है और मेरा मतलब जब मैं पैदा हुई उसके बाद मूवीज आती थी तब मैंने नहीं देखी, लेकिन अब मुझे ये मूवीज इतनी अच्छी लगती हैं देखना कि फ्री टाइम हो और ये मूवीज चला लो, उफ मजा आ जाता है देखने का। चलिए हो जाए जी, हो जाए, टाइम है। आप गाना चलाने वाली थी, अब मेरी आवाज में क्यों? अभी आप एक सुनाइए, फिर मैं लिसनर्स को एक अच्छा सा गाना सुनाती हूँ। एक तो हस्बैंड, एक थी वाइफ, मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकर्ड हस्बैंड, फाइटर वाइफ, बीबी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, अरे लफड़े झगड़े, झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े, झगड़े लफड़े, झगड़े झगड़े लफड़े, आ ई बीबी की थी एक सहेली, वाह उसने उसको कुछ समझाया, तब बीबी की समझ में आया, रात को शौहर जब पी के आया दरवाजे पे, फिर चिल्लाया आ ई ऊ ऊ, उस दिन बीबी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पर होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेगी रातें। शौहर चौका, ये मैं भूले से किसके घर आ गया यार, मेरी बीबी मुझे कभी भी नहीं दे सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, अरे कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा, कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा, बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई, अरे नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई, पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीबी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया, अरे महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार। वाह वाह, क्या बात है, थैंक्स टू किशोर कुमार, थैंक्स टू अमिताभ बच्चन, एंड थैंक्स टू मनीष, आरजे मनीष, जय प्रदा इन शराबी। अभी आपने तो गाया ना, मजा आ गया, मजा आ गया। ये मेरे को लगता है आप जब गाते हो ना, बचपन की उम्र में, बचपन में हम चले गए, और थैंक्स टू आरजे मनी, और आज अमिताभ बच्चन शो कर रही हैं, मजा आ गया। आशा लोगों को भी मजा आया होगा, एक गाना हो जाए अभी, ये गाना अभी हम बात कर रहे थे कि आज अमिताभ बच्चन जी का बर्थडे है और कल रेखा जी का था, तो मैं सोच रही हूँ इन दोनों का एक गाना अमेजिंग सा गाना चलाया जाए, दोनों को खिचड़ी वाला गाना, दोनों की खिचड़ी वाला गाना, उनमें जो खिचड़ी पकी थी आपस में प्यार की, जो वो चिंगारी आज भी है, आज भी है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा। किसी ने एक मीम भेजा है कि सलमान खान की जो प्यार और रेखा का प्यार एक ही घर में पल रहा है है कि नहीं, बात सही है, बिल्कुल सही है, वैसे पते की बात है, पते की बात है ना, पते की बात है। तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे सातों दिन, आप हमें मैसेज कीजिए, ईमेल कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पेज पे, और अभी मैं आपके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा गाना प्ले करने जा रही हूँ, रेखा जी और अमिताभ बच्चन की मूवी का, तो सुनिए जी, मेरा तो बहुत ही मनपसंद गाना है ये, वाह सलाम में इश्क मेरी जान, कबूल कीजिए, कबूल कीजिए ये गाना आपके लिए, और सुनते रहिए, लगे रहिए मन रेडियो मन पसंद, अमिताभ और रेखा का तड़का लगा के, ये दोनों का तड़का लग रहा है आज। करता है
तेरे दिल में थी मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी। तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है तू मसीहा मोहब्बत के सुन के चले आए हैं अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर तेरी महफिल में ये दिन चले आए हैं एक एहसान कर एहसान कर एक एहसान कर अपने मेहमान पर अपने मेहमान पर एक एहसान कर दे दुआएं और दे दुआएं मुझे उम्र भर के लिए दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए सलाम ए इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। वाह वाह रेखा जी के प्यार में हमने गाने को गाना गाकर ही शुरू किया और गाने को एंड भी गाना गाकर किया। वाह 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 देखिए सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनी और आरजे मनीष के साथ और रेखा के प्यार में तो मैं डूब गया। आप मुझे लगता है आप पूरी तरह मैं अमिताभ से ज्यादा रेखा के प्यार में ज्यादा डूब गया। अमिताभ ने इतना प्यार नहीं किया जितना मैंने रेखा से किया। जबकि मेरी वो बड़ी बहन है। अरे क्या सर करवा चौथ के टाइम पे आप बहन की बात कर रहे हैं। सुनते रहिए रेडियो मन पसंद 24 घंटे सातों दिन। और अभी जैसे कि हम बात कर रहे हैं अभी मनीष आरजे मनीष ने कहा कि करवा चौथ का टाइम आ गया है करवा चौथ का टाइम है और हम प्यार की बात कर रहे हैं तो जब प्यार की बात हो रही है तो फिर करवा चौथ की बात तो होनी बनती है जहां वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के लिए उनकी लाइफ बढ़ाने के लिए लेकिन मुझे नहीं लगता इसमें लाइफ बढ़ती है बट लाइफ इंश्योरेंस की तरह जो व्रत रखती हैं उस बारे में प्यार बढ़ता है जी प्यार बढ़ता है जीवन का जो प्यार है प्यार बढ़ता है उम्र का तो पता नहीं लेकिन प्यार बढ़ता है और जब प्यार बढ़ेगा तो उम्र बढ़ेगी। अगर आपका दिल साफ है दिल और हार्ट में एकदम जैसे बोलते ना पंपिंग जंपिंग होती रहती है तो आपके दिल भी एकदम क्लीन रहता है आपको कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। सर मैं अभी आप जैसे आप बात करो ना प्यार की और ये सब बढ़ता मुझे अभी आज मैं वो देख रही थी राजू श्रीवास्तव का उनका एक डायलॉग याद आया जो हंसे उनका घर बसे। वाह लेकिन जिनका घर बसे क्या वो कभी हंसे। वेरी गुड। तो अभी जैसे आपने बात की उसी पे याद आया तो अभी हम बात कर रहे हैं करवा चौथ की तो हमारे साथ हमारे एक लिसनर है मीनू शर्मा जी। तो मीनू जी वेलकम टू रेडियो मन पसंद आप सुन आप हैं आरजे मनी के साथ और आप बताइए करवा चौथ पे अपना क्या प्लान कर रही हैं इस बार 13 अक्टूबर को है करवा चौथ तो आपके प्लान्स क्या हैं इस बार करवा चौथ के। सबसे पहले तो नमस्कार मनी जी एंड मनीष जी M&M नमस्कार नमस्कार M&M ये आपने पहली बार तो थैंक यू कहना और एक एक और आप एक M अलग हैं जो M क्यूब हो गया मीनू शर्मा जी दैट्स ट्रू तो तड़का लग ही आज तड़का बहुत अच्छे से मन में भी M है मन देखिए मीनू में आज M का तड़का लगा रहे हैं रेडियो बहुत बढ़िया आप करवा चौथ का तड़का लगाने वाली हैं 13 अक्टूबर को करवा चौथ है तो जैसे कि काफी लेडीज जो मैरिड हैं वे जानती हैं कि ये जो फास्ट है वो रखा जाता है हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए और जैसे आपने भी कहा कि प्यार मोहब्बत बना रहे शादी में तो जैसे कि थोड़ी सी मैं जैसे बताना चाहूंगी हम सबके जैसे लाइफ साइकिल है जैसे बचपन में मैंने भी अपनी दादी को अपनी मम्मी
को कहानी सुनाते सुना कि भी करवा चौथ ऐसे करते हैं, एवरी ईयर मेरी दादी मम्मी को सुनाती थी, हम साथ में बैठे रहते थे तो आइडिया रहता था क्या होता है कैसे करवा चौथ पूजा की जाती है। फिर अपने मदर इन लॉ से आशीर्वाद लेते हैं, फादर से और अपने हस्बैंड की लॉन्ग लाइफ के लिए प्रे करते हैं। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे जब हमारी शादी हुई तो फिर मदर इन लॉ ने हमें गाइड किया कि जी देखिए ऐसे हमारे घर में ऐसे करवा चौथ की जाती है। और वो उन्होंने जैसे कुछ हर एक फैमिली के थोड़े डिफरेंट ट्रेडिशन होते हैं जी जी। तो बड़े प्यार से मेरी मदर इन लॉ लेट श्री मती लक्ष्मी शर्मा जी ने बहुत प्यार से मुझे समझाया। तो कभी लगा ही नहीं कि नए घर में आए हैं। तो वो भी एक ऐसा ट्रेडिशन है हमारे हिंदू फैमिलीज में जो लड़की के लिए कि स्मूथ रहे और वो अपने प्यार से उसको अपने अपने घर के ट्रेडिशन समझाती हैं, घर की वैल्यू समझाती हैं। तो ये एक एग्जांपल सेट होता है जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी मैं कहना चाहूंगी। तो जब मैंने अपनी मदर इन लॉ से सीखा जैसे भी ऐसे फास्ट रखना है तो जब से मैं वो फॉलो करती आ रही हूँ, फास्ट रखते हैं, पूजा करते हैं शाम को, फिर मदर इन लॉ का आशीर्वाद लेते हैं, हस्बैंड से आशीर्वाद लेते हैं, पूजा की जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही फिर उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया आ गए बहुत जल्दी, तो उस समय इतने मैं कहूंगी कि इतने अपने इंडियन फैमिलीज नहीं थी। तो जब हम आए यहाँ तो जो ये हिंदू टेम्पल जहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है 16 तारीख को, तो ये भी नहीं था, तो सिर्फ लैंड थी वहाँ। तो हम बिल्कुल डे वन से उसकी भूमि पूजा हुई थी। तो हम डे वन से इस हिंदू टेम्पल कल्चरल सेंटर जो फ्लोरी में है इससे जुड़े हुए हैं, तो हमारा बहुत लगाव है इस टेम्पल से भी। और इसीलिए हम वॉलंटरी सर्विस वहां शुभ से करते आए हैं मेरे हस्बैंड संजय शर्मा। तो फिर क्या हुआ कि भाई लैंड थी तो उस समय तो भाई फंड रेज करते थे तो फंक्शन कहाँ करें, तो हम लोग बेलकोनन लाइब्रेरी हायर करते वहां, कभी करवा चौथ कर रहे, दिवाली कर रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे मंदिर बना। तो उसके बाद हमने वहां करवा चौथ शुरू करी, तो बाकी सभी फ्रेंड्स वगैरह हम सबने इकट्ठा होके वहां, तो क्या है कि रेगुलरली हम काफी साल से जैसे आबा भाभी जी और मेरी नंद रेणु शर्मा जी और हम सब मिलके वहां करवा चौथ करते हैं। तो पीछे 2-3 साल से कोविड रिस्ट्रिक्शंस के चक्कर में लास्ट ईयर तो हुआ था, उससे पहले नहीं हो पाया था। तो इस बार हमारा ये प्रयास है कि इस बार ही थोड़ा बड़े लेवल पे किया जाए। तो मैं सभी बहनों को, सिस्टर्स, मदर्स और जो भी फ्रेंड वो अपना लाना चाहती हैं प्लीज मंदिर आइए, तो हम ये कथा मंदिर में करी जाएगी। क्योंकि तो अभी इस बार टाइमिंग रखे गए हैं 5 PM and 6 PM। अच्छा, ओके। क्योंकि अभी आप कुछ डिवोटीज जैसे मंदिर में आए होंगे, उन्होंने देखा होगा वहाँ नया हॉल भी बन के तैयार हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही टाइम में वो क्या है कि उसका इनॉग्रेशन लास्ट आई थिंक नवरात्रि के सीजन में वो ओपन हो गया था। तो उससे क्या है कि अभी हमारे पास काफी स्पेस है। तो पहले तो एक जमाना था हम पे फैसिलिटीज नहीं होती थी, अब ये फैसिलिटी बन गई है तो हम चाह रहे हैं कि अच्छे से यूटिलाइज हो। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी प्लीज आइए। और अगर टाइम से हम शुरू करते हैं 5 PM and 6 PM तो दो दो ग्रुप्स में क्या है कि हम ऐसे ग्रुप बना लेते हैं 10-12 लेडीज का, तो ग्रुप में बैठ के फिर कहानी हम सुनाते हैं करवा चौथ की। तो और उसके बाद आप सब लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी मैं सभी सुनने वालों को भी कि करवा चौथ की कहानी हो जाएगी, उसके बाद देर आर लॉट्स ऑफ गेम्स, क्विजेस एंड अदर एक्टिविटीज। तो काफी फन एक्टिविटीज हैं, खूब धमाल होने वाला है और उसके साथ बहुत सारे प्राइजेस टू बी वन है। अच्छा, प्लीज आइए हाँ और एंजॉय कीजिए और प्राइजेस के लिए आ सकते हैं हम। तो ये खाली प्रोग्राम लेडीज का है कि जेंट्स भी आ सकते हैं? अगर जेंट्स भी आ सकते हैं तो जेंट्स को फास्ट रखना होगा ना, जेंट्स आ जाएंगे तो उसमें अच्छा रहेगा। हो सकता है कि भाई कुछ गेम्स हम ऐसे कर लें कि भाई हस्बैंड वाइफ कुछ टाइप के गेम्स बना दें, थोड़ा सा और प्यार बढ़ना चाहिए क्योंकि ये हमारा जो कहते हैं भारतीय संस्कृति का वैलेंटाइंस डे है। हाँ, तो प्यार अगर प्यार बढ़ाना तो दोनों तरफ से बढ़ाते हैं कि हस्बैंड्स भी व्रत रखे अपनी वाइफ्स के लिए और आके मैं नहीं आ रहा फिर क्या क्या मीनू जी आप समानती हैं कि हस्बैंड्स भी व्रत रखे, प्यार दोनों तरफ से बढ़ना चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आजकल की जो पीढ़ी है मैं वही एक और कंटिन्यूएशन देना चाहती हूँ। जैसे हमने किया कि हम पास करते हैं, अब जो नई पीढ़ी आ रही है हम अपने बच्चों को सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि जी हस्बैंड भी कहते हैं जी हमें भी फास्ट रखना है, हाउ डू वी डू इट। हाँ तो ये अच्छी बात है अगर वो रखना चाहते हैं तो। और मेरे को एक सवाल है कि जैसे 13 अक्टूबर थर्सडे है, वीक डे है तो छुट्टी वाला दिन नहीं है, अगर कोई लेडीज अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहती है कथा, पांच आपने बोला एक 5 बजे या 6 बजे है, 5 बजे ऑफिस खत्म होंगे, 6 बजे के बाद कोई कथा का आपका कुछ प्लान है?
क्योंकि आपको पता है ऑफिस से आके रेडी होने में लेडीज को एक घंटा तो लगाओ कि आने में रेडी होने में और ट्रैफिक में टाइम लगेगा. तो अगर आपका कुछ प्लान है 6 बजे के बाद एक और टाइम रखने का, ना ड्राइवर है लेकर हस्बैंड ड्राइवर है लेकिन ट्रैफिक तो वहाँ पे होगा ना. नहीं आई कैन अंडरस्टैंड सेम इशू. यस तो इसीलिए पहली बात तो क्योंकि इसीलिए हमने 6 बजे का टाइम भी रखा है. पहले तो सोचे थे एक ही बार में हो जाएगा क्योंकि अब हमारे पास स्पेस है, बट 6 बजे 6 o'clock का टाइम है. बट इफ देर इज अ नीड ऑफ कोर्स जैसे कुछ छोटा ग्रुप होगा तो उसके लिए डेफिनेटली, क्योंकि तो फंक्शन ही है सबको इन्वॉल्व करने का और लेडीज सारे दिन भूखे प्यासे बेचारी मेकअप करके मेहंदी लगा के आएंगे तो डेफिनेटली. वही की वैसे भी क्योंकि मनी को कम से कम 3 घंटे लगते हैं तैयार होने में. कम बोल दिए मैंने, इसीलिए मैंने बोला उस दिन वीकडे है छुट्टी भी नहीं होगी. लेकिन आजकल की लेडीज सब होम बेस्ड वर्क कर रही हैं, घर से काम कर रही हैं. लकी लेडीज जो पर देखो अगर वर्क फ्रॉम होम है वो भी 5 बजे तक, 4:30-5 बजे तक तो वर्क फ्रॉम होम होता है. इतनी तो मैनेजर्स और बॉस के थोड़ा सा तो छुट्टी. मीनू जी अच्छा प्रोग्राम लग रहा है, बहुत बढ़िया है और आशा करते हैं कि जितने भी लेडीज सुन रहे हैं स्पेशली जो नॉर्थ में है काफी लेडीज अच्छा आ रही है, सब यही क्वेश्चन कर रही है. ओके साड़ी, मुझे साड़ी पहन के आना जरूरी है, ऐसे नॉर्मल भी आ सकते हैं. आपका फोन नंबर बता दीजिए किसी को और आना. अभी कितने कोई लिमिट है आने की, मतलब कितने लेडीज आ सकती हैं और कोई टिकट है कोई मतलब? हाँ जी हाँ, मैं ये एक बात और कहना चाहती थी, कोई लिमिट नहीं है कि कितनी लेडीज आना चाहती हैं कि एज यू नो आपने पीछे देखा नवरात्रि में देयर इज प्लेंटी ऑफ स्पेस. तो इसीलिए 2 lot में भी अगर हमने कर लिया तो इट विल बी एनफ स्पेस, तो चिंता की कोई बात नहीं. जो भी आना चाहे अपनी अपनी फ्रेंड अपनी रिलेटिव अपनी नंद अपनी सास किसी को भी लेके साथ आना चाहे, मासी नॉन इंडियंस को भी ले आए, जो नहीं मनाता उसको भी ले आए, जो भी. हाँ जी बिल्कुल, नॉर्थ इंडियन का प्रोग्राम है, साउथ इंडियंस वाले भी उनको भी अगर लाए तो उनको दिखाएं के लिए तो वो आ सकते हैं. दिस इज द पर्पस कि वो हम अपना कल्चर और अपने ट्रेडिशन जो भी है अपने डिफरेंट विद इन इंडियन कम्युनिटी में भी दिखाएं और जो नॉन इंडियन भी है वो भी काफी इसको अप्रिशिएट करें, वो समझें कि भी क्या क्या हमारे कल्चर में चीजें हैं. और जहां आपने बात करी है कि कोई फीस है या कोई बात है, तो ये जो कथा सुनाएंगी मैं और जो मेरे साथ वॉलंटियर्स हैं आबा भाभी जी, ये हमारी तरफ से फ्री सर्विस है, वॉलंटरी सर्विस है. एंड जो प्राइसेस है वो सब हम डोनेट कर रहे हैं. बाकी जो आप लोग आएंगे तो अगर आप डोनेट कुछ करना चाहते हैं मनी तो वो आप डायरेक्टली टेम्पल को कर सकते हैं, पर देर इज नो सच फीस की भाई आपको इतने पैसे देने ही है, कोई बात नहीं. रेडियो मनपसंद की तरफ से आरजे मनी मनी की बात की ना, मनी इज डोनेटेड. आप मेरे को डोनेट कर दो मन में. ओके थैंक यू मीनू जी, थैंक यू वेरी मच. आपने जो अपने हमारे लिसनर्स को इन्फॉर्मेशन दिया है, लिसनर्स प्लीज अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कहाँ जाना है कथा सुनने के लिए, तो 13 अक्टूबर 5 बजे और शाम को 6 बजे हिंदू टेम्पल एंड कल्चर सेंटर फ्लोरी में है. और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं मीनू शर्मा जी को 04128677793 पे. सारी जानकारी हमारे रेडियो मनपसंद के फेसबुक पेज पे है जी. और एड्रेस है HTCC फ्लोरी का 81 रेड क्लिफ क्रिसेंट फ्लोरी जी. बहुत बढ़िया, थैंक यू मनीष जी. आपके हैप्पी करवा चौथ और आप और संजय शर्मा जी का प्यार दुलार सत्कार बारंबार बढ़ता रहे और हर 9 महीने पे कुछ ना कुछ प्यार का प्रोडक्ट आता रहे. धन्यवाद जी, और आपके सभी लिसनर्स को एडवांस में करवा चौथ की शुभकामनाएं एंड वी होप टू सी यू ऑल ऑन थर्सडे. थैंक यू. और दोस्तों बात की जा रही है करवा चौथ की, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लोरी में तो ये मीनू जी ने प्रोग्राम अरेंज कर रखा है. अगर आप इधर साउथ में हैं कहीं तो आप श्री विष्णु शिव मंदिर मौसन में जा सकते हैं, जहां थाली पूजा टाइम है 6 बजे का, गणेश पूजा का टाइम है 6:30, देवी पूजा 6:45 और चांद पूजा रात को 10 बजे है. और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं 02628640 पे. जैसे कि उन्होंने कहा मीनू जी ने, उनको गाना सुनना है चांद पे, तो हम गाना उनके लिए. चांद की वैल्यू बहुत होती है उस दिन तो जितनी वैल्यू चांद की होती है. और अभी जो मौसम चल रहा है कैनबरा में बादल ही बादल हैं, तो मेरे को लगता है मेरे को वो देख के भी याद आया कि मैं लिसनर्स को गाना सुनाती हूँ. लिसनर्स जी गाना सुनिए, एक बहुत ही क्यूट सा गाना है चांद के ऊपर जो छुप जाता है बादल में,
स्पेशली करवा चौथ के दिन तो बहुत जल्दी छुप जाता बादल में। तो सुनते रहिए रेडियो मनपसंद 24 घंटे और आप सुन रहे हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग चांद छुपा बादल में। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं अभी नहीं नहीं नहीं, दूर से ही तो जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं, चांद को जैसे देखता जगो गुमसुम सा है, गुपचुप सा है, मदहोश है, खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। चांद छुपा बादल में, शर्मा के जाने जाना, सीने से लग जा तू, बल खा के मेरी जाना। आजा रे आजा चंदा। देखिए करवा चौथ के दिन सब लेडीज जो एक्चुअली में दुआ कर रही होती है वो यही कर रही होती हैं कि आजा रे आजा चंदा, क्योंकि यहाँ कैनबरा में जो चांद निकलने का टाइम है वो रात को 10 बजे के बाद का है, और यहाँ पे 10 बजे के बाद अगर बादल आ जाए तो फिर तो मतलब माशाल्लाह भूल जाइए कि आएगा चांद दोबारा वापस। ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी की साइट पे हूँ, चांद आएगा 10:48। हे भगवान, 10:48 और सुबह सनराइज होगा 4 बजे। देखो देखो हम लोग अच्छा, जो आप लोग वो सर्गी करते हैं ना शायद। जी जी जी, आई थिंक ये सर्गी का कॉन्सेप्ट मेरे को समझ में नहीं आया। ये सर्गी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। और लिसनर्स, आपको आपको अभी हम इस जैसे मनीष जी ने बोला, आज मनीष ने कहा कि उनको सर्गी का कॉन्सेप्ट नहीं पता नहीं, तो हमारे साथ एक लिसनर्स हैं जो हमें बताएंगे सर्गी का कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली। वेलकम करते हैं जी, वेलकम ममता जी, एम क्यूब अगेन। अरे एम क्यूब हो गया, मनीष शर्मा से बात हुई है, ममता शर्मा से, ये भी ममता शर्मा और मनी सारे एम क्यूब आ रहे हैं क्या आप चुन के लिसनर्स? यस, थैंक यू सो मच मनीष एंड थैंक यू मनी फॉर हैविंग मी। नहीं बिल्कुल, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है, और शायद पहली बार आप रेडियो मनपसंद पे आई हैं, अच्छा लग रहा है जी। हाँ तो जी, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमें बताइए कि अभी आज मनीष को सर्गी का कॉन्सेप्ट नहीं पता, तो आज हम इनको थोड़ा ज्ञान देंगे अभी। बिल्कुल जी ममता, चक्षु नयन खुल जाएंगे। जितना मेरा ज्ञान है मैं बांटने के लिए रेडी हूँ। जी जी, बांटिए अपना ज्ञान। जी मेरा ज्ञान सिर्फ इतना है कि मुझे जैसे बताया गया था मैं वैसे कर रही हूँ, जस्ट फॉलोइंग। आप भी सास की तरह, जैसे मीनू शर्मा कह रही थी कि सास ने बताया तो इसलिए फॉलो कर रही है। मेरी धर्म पत्नी भी यही बोलती है कि सास ने बताया मैं कर रही हूँ, और जिस दिन बंद कर दूंगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बस वही ट्रेडिशन है जो काफी कुछ पीछे छूटता जा रहा है, बट एक ये वाला फेस्टिवल है जिसको मैं पूरे दिल से सेलिब्रेट करती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड जी। तो सर्गी, हाँ सुबह अराउंड 4-4:30 बजे
कुछ सालों से पिछले हम लोग मैं अपने फ्रेंड्स को घर पे बुलाती हूँ, हम लोग ठीक से सरगी करते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद सारे अपने घर चले जाते हैं। आज से 20 साल पहले जब मैं इंडिया में थी तब भी मैं यही करती थी लेकिन वो फ्रेंड्स के साथ नहीं, वो रिलेटिव्स के साथ होता था इंडिया में, कि मैं नानी के घर पे रहती थी और वहां सारे आए होते थे। अच्छा। मेरी मासी, मेरी मामी, तो सब लेडीज मिलके किया करती थी। सो मैं बस वो फॉलो कर रही हूँ अभी तक। वाह। और फिर कथा का क्या सीन होता है आपका शाम का? मतलब कथा का? मंदिर में जाते हैं कि कैसे? घर में करते नहीं, हैं नहीं। शुरू शुरू में मंदिर में जाती थी जब मैं आई थी अराउंड 17 इयर्स अगो, लेकिन अब तो घर पे ही करते हैं थैंक्स टू यूट्यूब। तो ये हमारी मॉडर्न पूजा वाले हैं। तो ये बताइए ममता जी, बात हो रही है कि उस जमाने की मतलब आप 17 साल पहले जब इंडिया में थी और अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया में, क्या डिफरेंस नजर आया और क्या चेंजेस नजर आए? मतलब आजकल लोग शॉर्टकट्स भी लेते होंगे क्योंकि आपको जॉब भी करना है। हाँ। और पहले जमाने में औरतें घर पे ही रहती थी, तो तभी तो यूट्यूब चल रहा है मतलब मुश्किल होता है ना कि जॉब भी करना है, फैमिली भी देखना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वो कहते हैं ना डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, तो आपको खाना भी बनाना है और आपके अगर हस्बैंड अगर आलसी हुए नहीं हेल्प करते आपको किचन में, तब तो आपके काम और डबल फोल्ड हो जाते हैं। तो वो तो टॉपिक हम ना ही छेड़े तो अच्छा है, वो एक एपिसोड आपको अलग करना पड़ेगा। सही बात है वैसे एपिसोड की जरूरत नहीं है, इनको पता होगा। इतना है कि आप यू फील पैम्पर्ड बैक इन इंडिया, कि आपको लगता है कि ओ वाओ हम सारा काम बाहर से करा रहे हैं, या जा रहे हैं हम मेहंदी लगवाने के लिए या रेडी होने के लिए या व्हाट नॉट, और वहां पे कोई खाना नहीं बनाना आपको, मतलब जो ट्रेडिशन है बैक इन इंडिया, सुई को हाथ नहीं लगाना, चाकू को हाथ नहीं लगाना, यू कैन रियली फॉलो दोज। पर यहाँ आके शॉर्टकट्स तो नहीं ले पाते हैं हम लोग, हमें सब कुछ करना पड़ता है, बट स्टिल जितना फॉलो हो सकता है हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, नहीं नहीं अच्छी बात है। आई थिंक बड़ा मुश्किल होता है लेकिन अच्छा लगता है कि इतनी दूर बैठ के और लोग वहाँ भारत में देखते हैं कि आप लोग वहाँ पे भी इतना कल्चर और ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ पे ज्यादा फॉलो करते हैं, इंडिया में इंडियंस नहीं है, मतलब बाहर इंडिया से बाहर आके हम ज्यादा इंडियंस बन गए हैं। सही बात है। और यहाँ पे फास्टिंग ज्यादा टफ है क्योंकि इंडिया में तो 7:30-8 बजे चांद निकल आता है। जी जी, तो यहाँ तो मतलब यहाँ प्यार ज्यादा है। हाँ, आपका पति का प्यार अच्छा है, जितने ज्यादा आप सेक्रीफाइस करेंगे उतना आपका दाम्पत्य जीवन इंश्योरेंस बढ़ रही है। लाइफ इंश्योरेंस बात सही करी। चलिए बहुत अच्छा लगा ममता जी, ऐसे ममता जी आपने जो अपना सर्गी के लिए आपने जो नैन चक्षु खोले हैं आरजे मनीष के। हाँ बिल्कुल सही बात है, सुबह जब खा लिया तो फिर फास्टिंग किस बात की है। आप भी एक बार ट्राई कीजिए एक बार ट्राई कीजिए, 3 बजे उठ के खाना खाइए, 4 बजे, और फिर आप रात को 12 बजे खाना खाइए। मैंने अपनी जवानी में गर्लफ्रेंड के लिए फास्टिंग की थी, वो छोड़ के भाग गई। मेरी बीवी सुन रही है आज, मुझे खाना क्या, मुझे आज से ही फास्टिंग लग जाएगा। आप गर्लफ्रेंड ट्राई बोले कि घर में अलाउड ही नहीं है, जाओ गर्लफ्रेंड के पास जाओ खाना खाओ। नहीं नहीं चलिए, बहुत ममता जी थैंक यू बहुत अच्छा, हैप्पी करवा चौथ। और आपके पति का नाम बताया नहीं जी, प्रशांत। प्रशांत जी शर्मा। प्रशांत जी को भी हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं, और आपका ख्याल रखें उस दिन। आई विश प्रशांत जी भी आपके लिए फास्ट रखें उस दिन, और आपको अच्छा अच्छा मिलेंगे प्रशांत जी के साथ। ये तो मैं पिछले 23 साल से सोच रही हूँ, आज तक नहीं हुआ, शायद इस बार ही हो जाए। हम दुआ करेंगे कि हो जाए। चलिए बढ़िया, आप दोनों ऐसे प्यार बढ़ा रहे बना रहे, और ऐसे ही आप लोग हंसते रहे मुस्कुराते रहे खुश रहे, ज्यादा इम्पोर्टेंट लगे रही। थैंक यू फॉर योर विशेस, थैंक यू, बाय बाय। दोस्तों ये थी ममता शर्मा, मीनू शर्मा एंड ममता शर्मा, दोनों ही करवा चौथ की बात कर रहे हैं। कोई एम वाले ही है, क्या एम वाले ही फास्टिंग रखते हैं, बाकी नहीं, आज एम्स का डे है, आज एम डे के मनी और मनीष डे है, आज हमारा एम डे है। सो दोस्तों सुनते रहिए, एक गाना हो जाए, एक चांद पे एक और गाना हो जाए। हाँ अभी मैं चांद पे जो चीज करवा चौथ पे लेडीज सबसे ज्यादा करती है वो क्या है, बार बार बाहर जाके देखती चांद आया कि नहीं आया। वो मेरा काम होता है, मेरे को भगाती है, जरा देख के आना चांद। मैंने कहा जब चांद निकलेगा तो निकलेगा, इसमें देखना क्या है, नहीं वो वहाँ पहाड़ी पे जा। आजकल वैसे आप ये बाहर जाके देखते, आजकल तो ऐप भी आ गया,
है उस पे आप देख सकते हैं चांद होराइजन से ऊपर आया है। मैं माउंट एंसली पे जाके ड्राइव करके जाके देख के आता हूँ कि चांद आया है। तो आपके लिए ये गाना मैं आपके लिए डेडिकेट करती अच्छा। हूँ, जो आपके एक प्यारा सा गाना चांद के ऊपर। तो थैंक यू, सुनते रहिए दोस्तों रेडियो मनपसंद। और अभी मैंने आरजे मनीष के लिए गाना प्ले किया है, गली में आज चांद निकला। वाह 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 वाह, ये मेरी धर्मपत्नी कृष्णा जी का बहुत ही मनपसंद गीत है। वाह, और 13 अक्टूबर को तो और भी मनपसंद होगा उनका ये गाना। आए तो आया मुझे याद, गली में आज मनीष निकला। वो मेरा चांद निकल गया, बाल उड़ गए ना, तो आजकल तो इनका चांद घर पे ही निकलता है। सो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मन पसंद 24 घंटे लगा के। और अभी आप सुन रहे हैं गली में चांद निकला। जी हाँ, एंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल से गाना। गली में आज चांद निकला, जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गली में आज चांद निकला। जाने कितने गली में आज चांद निकला, गली में आज चांद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आज चांद निकला। गलियां नहीं है लेकिन यहाँ पे तो क्या कहते हैं वो स्ट्रीट की हिंदी क्या होती है? गली तो हमारे बनारस में गलियां हैं। गलियां मींस एक टाइम में एक या दो ही लोग जा सकते हैं, उसमें अगर वो भैंस और गाय फंस गई तो आप गली में निकल। अभी पहले यहाँ एक गली में चांद कैसे निकलेगा, मेरे को आज तक ये जो लिरिक्स लिखे गली में चांद कैसे निकलता है, जब आप गली में खड़े होते हैं और वो जो चांद ऐसे निकलता है तो आप गली में से देख सकते हैं, आप सामने से चांद आता
दिल्ली के आसपास इतनी सारी बिल्डिंग्स हैं, चांद दिखेगा ही नहीं। आज आप बनारस की गलियों में जाके देखिए, चांद नहीं दिखता। जाऊंगी नेक्स्ट टाइम, आप चलना पक्का, मैं जा रहा हूँ आपको, मैं वहां से वीडियो फोटो सब भेजूंगा, कहीं चांद नहीं दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इतनी सारी बिल्डिंग्स और वो आ गई है गली, पर ये आई थिंक बनारस की गलियों पे नहीं बना है, पता नहीं कौन सी गलियों पे बना है, ये चंडीगढ़ की गलियों में बना है। चंडीगढ़ में गलियां जो है वहां बहुत अच्छे से सब दिखता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं रेडियो मनपसंद पे करवा चौथ की, और करवा चौथ की बात हो तो ड्रेसेस की बात ना हो और मेहंदी की बात ना हो, सजने संवरने की बात ना हो, तो मतलब ये एक त्योहार है जहां मेरे को भी पर्सनली ये त्योहार इसलिए अच्छा लगता है, एक एक अनदर एक्सक्यूज, मतलब मैं ये नहीं कहूंगी एक्सक्यूज है कपड़े लेने के लिए, एक और एक्सक्यूज है कपड़े लेने के लिए, नए नए ड्रेसेस लेने के लिए, मेहंदी लगवाने के लिए और सजने के लिए। पति आपको कुछ गिफ्ट देते हैं? सब सब कुछ मिलता है, सब मिलता है, आप मांगती हैं अपने आप दे देते हैं, पहुंच जाता है, आप बार्गेन करती है, आ रहा है घर पे गिफ्ट में, सरप्राइज होता है। अभी कृष्णा जी आप सुन रही है, कृष्णा जी कृष्णा जी अगर आप कृष्णा जी के पास इतने गिफ्ट दे दिए क्या बोलते हैं, अब जरूरत ही नहीं है, मेरा गिफ्ट आ रहा है एक दो दिन में बस पहुंच रहा है, और जब आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगी मेरा गिफ्ट आ रहा है। दिखाइएगा, फेसबुक पोस्ट होना चाहिए, बिल्कुल इंस्टाग्राम पोस्ट, बिल्कुल बिल्कुल, और फिर मैं कहूंगी गली में मेरा गिफ्ट निकला। चलिए हो जाए। हाँ जी, तो दोस्तों सुनते रहिए रेडियो मन पसंद, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे, और हमें मैसेजेस भेजिए 04218980955 पे, या हमें ईमेल कीजिए tadka@radiomanpasand.com। और आप सुन रहे हैं आरजे मनी, और हमारे साथ आज मेरे गेस्ट थे आरजे मनीष। आज देखिए मुझे गेस्ट, मैंने उनको गेस्ट की गद्दी पे बिठा दिया, आज चेयर भी चेंज कर दी, अब थोड़े दिन बाद मैं दरवाजे के बाहर निकलूं। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी आप ऐसे जा रहे हैं अगले महीने, तो मैं आपको बाहर नहीं कर रही हूं। मुझे लग रहा है वापस लग रहा है दरवाजे के कोट्स सब चेंज हो जाएंगे, मैं घुस ही नहीं पाऊंगा स्टूडियो में। नहीं नहीं, ये आप ही का स्टूडियो रहेगा। और दोस्तों आप सुनते रहिए, और मैं अभी जाते जाते टाइम अभी सिर्फ कितना टाइम, 2 मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, जल्दी 57 मिनट्स हो गए, और जाते जाते मैं आपके लिए एक प्यारा सा गाना प्ले करना चाहती हूँ। जैसे कि अभी बात की कि सजने की बारी आ गई, सजना पसंद होता है, तो हम गाना चलाते हैं, एक प्यारा सा गाना, सजना है मुझे सजना के लिए, डेडिकेटेड टू ऑल द लेडीज इन कैनबरा जो मंदिर जा रही है या घर पे पूजा कर रही है। क्या बात है, चलिए आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए, करवा चौथ मनाते रहिए, और साथ में अमिताभ बच्चन का जन्मदिन है वो भी मनाते रहिए, रेखा जी का भी मनाते रहिए, और अगर आपके पिक्चर्स हैं तो हमें जरूर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। परदेसिया ये सच है पिया, सब कहते हैं तूने मेरा दिल ले लिया, और रेखा जी ने जो दिल लिया था अमिताभ बच्चन का, चलो अभी तो हम उसकी क्या ही बात करें, अभी हम बात करें करवा चौथ की, तो चलो उनका प्यार भी बना रहे और हमारा भी। दोस्तों मिलते हैं अगले मंगलवार सेम टाइम पे, साइन ऑफ, सुनिए गाना, बाय। नमस्ते, मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। अकेले हैं तो क्या गम है,
चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं, बस एक जरा साथ हो तेरा। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले हैं तो क्या हम हैं। तेरे तो हैं हम कब से सनम, अकेले